वेलकम बुद्धू, स्वागत आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा निकाली हुई वैकेंसी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकाली है। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी, तो सबसे पहले मैं वेबसाइट पर ले जाकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें कई सारे तरह तरह के पद हैं, मतलब कई सारे पदों में वैकेंसी है। और उनमें भी कुछ कुछ, जैसे कि एक हो गया आपका, एक कोई पद मैं आपको बता रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, इस तरह का सीनियर असिस्टेंट, एक टेक्नीशियन का, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया, नर्सेस हो गई, तो इस तरह के कई सारे पद हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप वैकेंसी देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप डालिएगा इसमें NTA रिक्रूटमेंट, NTA रिक्रूटमेंट। जैसे आप NTA रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे तो आपको NTA की रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर लेके चल रहा हूँ। तो ये देखिए, सबसे ऊपर आएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट NTA.NIC.IN पर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये क्या है कि रिक्रूटमेंट जब भी NTA करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो यहीं पर अपडेट होती हैं। तो सबसे ऊपर देखिए DU रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोस्ट 2021, तो आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो एक आपको बड़ी सी PDF खुल जाएगी जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी आपकी रहेगी। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले जाऊँगा। नीचे के आप साइड में देखिए इन्फॉर्मेशन वाउचर, यहाँ पर जो है ना डिटेल का वाउचर दे रखा है, मतलब पूरा एकदम करीब 127 पेज का है, जो कि मैं आपको साइड में या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ से अप्लाई फॉर DU जो वैकेंसी चल रही है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर, यहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। अपना अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो आप ये डिटेल्स डालिए, नहीं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको वही PDF पे लेके चलता हूँ, अगर आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की आपकी PDF खुलेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी PDF, मैं आपको सबसे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको पदों के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है, ठीक है। तो देखिए टोटल जो वैकेंसी बच्चों, ये 1145 है, 1145 वैकेंसी। पद देखिए, जूनियर असिस्टेंट का पद है, टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी में जूनियर असिस्टेंट में। एजुकेशन का 12 पास और टाइपिंग मांगी गई है, 35 आपकी जो है ना अंग्रेजी में, 30 आपकी हिंदी में। एज लिमिट 18 से 27 साल है, ठीक है। इसी प्रकार टेलीफोन ऑपरेटर की 12 पास चाहिए, 8 पद हैं। असिस्टेंट के 80 पद हैं, बैचलर डिग्री, 30 साल उम्र। स्टेनोग्राफर के 70 पद हैं। तो इस तरह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, जैसे योगा ऑर्गेनाइजर का हो गया, आपका बैचलर या मास्टर योगा में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। नर्सेस के लिए 7 वैकेंसी है, डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए आपके पास में नर्सिंग की, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन भी साथ में होना चाहिए, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल में होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र 30 वर्ष है आपकी, ठीक है। तो इस तरह कई सारे अलग अलग पद हैं और सब में अलग अलग वैकेंसी, किसी में 10, किसी में 45, किसी में 4। तो जूनियर और सीनियर असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट में आप देख सकते हैं बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 30 साल की उम्र होनी चाहिए। तो इस तरह पद हैं टोटल, मैं आपको 1145 के बारे में बता दिया। फार्मासिस्ट, ठीक है, कोच के बारे में, टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ, तो इस तरह के जो है ना आपके पद हैं। और ये जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं वायलिन के लिए है, ठीक, मृदंग के लिए है, हारमोनियम वालों के लिए जिन्हें बजाने वगैरह आता है, टोटल 12 वैकेंसी है। डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, 45 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटी बात होगी, लाइब्रेरी असिस्टेंट ये सब। तो पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि आपके पास क्या एजुकेशन है, उस एजुकेशन के हिसाब से किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। आपके पास में बैचलर डिग्री है, आपका 10 पास, जैसे 10 पास और ITI सर्टिफिकेट है, तो आप वर्क असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो आप अपनी यहाँ से अपना चेक कर लीजिए कि आप किस पद के लायक हैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से। जैसे 10 पास और ITI का सर्टिफिकेट है तो आप हेल्थ अटेंडेंट के लिए भी जा सकते हो, लाइब्रेरी के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। ITI वाले यहाँ भी जा सकते हैं, जूनियर वर्क असिस्टेंट के लिए 35 पद हैं, तो ITI वाले यहाँ पर कई सारे जा पाएंगे, ठीक है। और आप इस तरह अपना जो है ना पद चूज कर लिए। जब आपने पद चूज कर लिया, फिर आपको आपको डिटेल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ और इसको थोड़ा सा ब्रॉड करूँगा ताकि आपको एक अच्छे से विजुअल करा सकूँ। ये PDF काफ़ी लंबी चौड़ी है तो हो सकता है खुलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट वी विल ट्राई, ठीक है। आपकी कुछ ज़रूरी बातें यहीं से आपको बताना चलता हूँ कि आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, आपके जो ना ऑनलाइन फॉर्म आपके चालू हो गए हैं, 23 फरवरी से 16 मार्च तक आपके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे, यहाँ से देख सकते हैं 16 मार्च तक चलेंगे। आपकी जो फॉर्म फीस वगैरह है वो जनरल OBC के लिए 1000 रुपये है, फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा है, OBC के लिए 800 रुपये है और SC ST के लिए 600 रुपये है, ठीक है। आपका जो ना करेक्शन भी कर सकते हैं 18 मार्च तक है, तो कोशिश कीजिए कि कुछ गलत ना भरा जाए आपसे। और ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि किस तरह आपको वहाँ पर जाना है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये पद हो गया योगा ऑर्गेनाइज़र का,
तो आप किस कैटेगरी में कितने पद हैं, यहाँ से देखिए। जैसे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद हो गया, इसके लिए आप देख सकते हैं टोटल जो है ना 6 पद हैं। अनरिजर्व के लिए 2 पद हैं, ठीक है। एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 पद है। आप वहाँ से पहले अपना एजुकेशन के हिसाब से पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर पोस्ट के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि कितनी आपके पास जो है ना वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज। और ये आपकी तनख्वाह पे लेवल 10 का मतलब है 56,000 से ज़्यादा आपको मूल वेतन रहेगा अगर आप मेडिकल अफसर के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरह जो है ना हर पद के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, और ये मैं पीडीएफ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और जैसा कि आपने फिर पद डिसाइड कर लिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसेंशियल में आप देख सकते हैं कि आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ में, ठीक है। और जो है ना या इक्वलेंट ग्रेड बी में आपके पास में होना चाहिए। डिजायरेबल ये चीज़ की कुछ खास ज़रूरत नहीं, आप इसेंशियल चेक कर लीजिएगा, इसेंशियल आपके पास में है कि नहीं, ठीक है। एज लिमिट 35 साल यहाँ पर दे रखी, पे लेवल आपका जो है ना 10 है, तो वेतन यहाँ से पता चल गया, एज लिमिट आपको यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हर पद के लिए जो है ना काफ़ी लंबी चौड़ी पीडीएफ है, आप अपने पद के हिसाब से इसमें देख लीजिएगा। और नीचे हर पद के लिए हर पोस्ट के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग है, तो आप ध्यान रखिए। जैसे कि मेडिकल अफसर के लिए है तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पहले पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह, कंप्यूटर टेस्ट वगैरह होगा। तो हर पद के लिए फिर इन्होंने अलग अलग से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिख रखा है, और सबका डिटेल सिलेबस भी साथ में ही दे रखा है। तो मैं ये पीडीएफ जो है ना मैं आपको बता दिखा रहा हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप हर पद के लिए अपना हिसाब से जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ से पीडीएफ से देख पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पूरे में नहीं, 127 पेजों पर अगर मैं जाऊँगा, अगर मैंने एक पेज पर अगर आपको 5 मिनट दिए तो आप 127 × 5 मिनट कर लीजिएगा, 4 से 5 घंटे का वीडियो बनेगा। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, आपको रास्ता मैंने बता दिया है, ठीक है, कि आपको किस तरह जो है ना अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कई चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये पीडीएफ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगी, और जो ऑनलाइन अप्लाई शुरुआत से मैंने आपको वेबसाइट लेके गया था उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए ये वैकेंसीज़ अच्छी हैं, एनटीए भारत की मानी हुई संस्था है, घपला होने की संभावना बहुत कम है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए और थोड़ी सी तैयारी कीजिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।